राधा 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 राधा। हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई, मेरे लाला की, मेरे नारायण की असीम कृपा आप सभी पे यूं ही बरसती रहे। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारियां पूजा की हो चुकी है, आपको चलिए दर्शन कराती हूँ कि मेरे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। और लाला लाली को चलिए जल्दी से जगाते हैं और अपनी पूजा और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी सारे ही बर्तनों को मैं दोबारा वॉश करती हूँ। तो सारे के सारे बर्तनों को मैं धुल चुकी हूँ, पूरा जो तैयारियाँ हैं वो हो चुकी है, बस अब मुझे जल्दी से पूजन करना है। देखिए मैं एक बार अपने लाला को जगा चुकी हूँ। भैया उठ जाओ, उठ चुका है मेरा लाला। और ये देखिए सभी लोग जाग चुके हैं, मैं एक बार जगा चुकी हूँ जी। तो चलिए जल्दी से मैं अपने लाला लाली को जगा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हरि बोल। उठ जाओ भैया किशोर, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ, उठ चुका है मेरा भैया, जल्दी से उठ जाओ, मम्मम पी लो, जल पी लो भैया, लड्डू उठो। और ये देखिए सभी लोग जाग चुके हैं जी। राधा 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 राधा। और ये देखिए मेरे भैया लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं आचमन करके अपने लड्डू लाडू को जल ग्रहण करा दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरीके से सबसे पहला आचमन मैं अपने भैया लोग को करा दूंगी और ये मैं अपने लाला को जल पिला दूंगी। भैया पी लो जल्दी से जल, बहुत गर्मी है, केशु पी लो भैया। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
देखिए ये आ गया है सत्तू, और ये जो सत्तू है ये जौ का सत्तू है जी। तो चलिए भोग लगा के फिर मिलती हूँ। और ये कर लीजिए आप लोग भी दर्शन, अद्भुत दर्शन, बेहद सुंदर दर्शन। और चंदन थोड़ा सा गीला था, इस वजह से मेरे केशु का और काना का जो चंदन है, जो कुमकुम है, देखिए थोड़ा सा फैल गया। मेरे प्यारे प्यारी लाला के दर्शन करिए। और भोग लग चुका है जी, सर्वप्रथम भोग आज जो लगा है वो लगा है फलों का और सत्तू का। तो जी इस तरीके से मेरे लाला लाली की अक्षय तृतीया की जो शुरुआत हुई मेरी, बहुत ही सरल तरीके से मेरी पूजन हुई है। देखिए यहाँ पे जो आप मेरे प्यारे बिहारी लाला के भी दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा लाला ना भैया, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। सभी के सुंदर दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से कलश स्थापना हुई है, जौ के सत्तू का भोग लगा है। राधा 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 जी। तो ये देखिए ये घड़ा भी आ चुका है, और अब मेरे लाला इसी घड़े का पानी पिएंगे। राधा, और ये देखिए भोग वगैरह सब लग चुका है। तो चलिए मिलते हैं, हरि बोलो हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी जी। तो इस तरीके से अक्षर तृतीया की जो सुबह की सेवा है, पूजा है, वो मेरी पूर्ण हुई। और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है और मैं अकेली हूँ बिल्कुल, तो मुझे ही सारा सब कुछ मैनेज करना होता है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, जैसे मैं दहलीज पूजन जो है वो पूरी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई कि कैसे करना होता है पूरा विधिवत, लेकिन कोशिश किया है थोड़ा आपके साथ में जो ग्लिम्सेज है वो शेयर करने की। तो हरी हरी बोलो जी। और ये देखिए दोपहर का आज मौसम कितना ही अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और पूरा ऐसा लग रहा है कि आंधी और तूफान जरूर आएगा। चलिए कट चुका है, ये रहा पूड़ियाँ, इधर पक रहा है चावल और इधर है तोरी की सब्जी। तो चलिए भोग लगाते हैं, फिर मिलते हैं। राधा 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 ओ भोग लगाओ। पी लो भैया, अभी हटा देंगे भैया को चंदन। देखिए मेरा केशव कैसे बैठे हैं, और देखिए मेरे लाला लाली का भोग लग चुका है। अब मैं जो मेरी लाडो की पगड़ी है उसको एक साइड सारी रख दूंगी, और अभी मैं थोड़ी देर बाद आकर के अपने लाला का स्नान कराऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हरि बोलो देखिए शाम हो चुकी है, होने वाली है, और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है, और अब बस मैं स्नान कर रही हूँ। मैं अभी स्नान करके आ चुकी हूँ, और चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने बिल्कुल स्लो कूलर चलाया हुआ है, मैं कूलर बंद कर दूंगी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। लाइट्स ऑन कर देते हैं भैया, ओले भैया। और ये देखिए सभी लोग विराजे हैं। तो चलिए अब मैं जल्दी से अपने लाला का चंदन कैसे हटाती हूँ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने केशु लाला का चंदन साफ करूंगी। और केशु लाला ये टॉवल मैंने पूरी गीली कर लिया है, ये इन्हीं की टॉवल है,
और ये चंदन की टॉवल, और इस और ये देखिए मेरे केशु का पूरा चंदन इस तरीके से पूरा साफ हो चुका है जी। ऐसी मैं सबका चंदन साफ कर लूंगी ना केशु। और ये देखिए मैं अपने प्यारे लड्डू बाबू का भी इसी तरीके से जो चंदन है वो हटा दूंगी। और टॉवल जो है वो बिल्कुल गीली कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रगड़िएगा नहीं। आपको जो ध्यान देना है इस तरीके से टैप टैप करके साफ करेंगे, देखिए कितने ही आराम से साफ हो जाता है लाल। और इसी तरीके से जो मुझे बिहारी लाला का भी मैं अपने चंदन ऐसे ही साफ कर लूँगी। देखिए पहले हल्का सा स्प्रे मैं हाथों पर दे दूँगी। भैया बस हो गया, बहुत दूर से लाला हो गया, देखो कितना अच्छे से साफ हो रहा है। और अब बारी आती है कान्हा की, तो कान्हा पे भी मैं हल्का सा इस तरीके से स्प्रे कर लूंगी। स्प्रे करने के बाद भी आ जाओ मेरा बच्चा। और ये देखिए कान्हा का भी चंदन पूरा का पूरा इस तरह से मैंने साफ कर दिया है जी। और ये देखिए सभी लोग जो हैं वो आराम से अपना चंदन वगैरह मैंने हटा दिया है। और ये लोग विराजे हैं और बाहर बहुत तेज तूफान आया है। शाम का जो भैया का भोग है वो लगाऊंगी और मेरी लाली पिएगी ठंडा ठंडा पानी घड़े का। इसी तरीके से सब लोगों ने अपनी पगड़ी वगैरह पहन लिया। देखिए सभी का चंदन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। केशु को देखिए सभी का चंदन भी अच्छे से साफ हो चुका है। तो चलिए अब मैं जल्दी से भैया को उनके जो घड़ा है उसका पानी पिलाती हूँ, है ना। और ये देखिए घड़े का बिल्कुल शुद्ध सोंदा सोंदा पानी मेरा भैया पी ले। और ये देखिए मेरे लाला का जो तरबूज है वो मैंने काट दिया है। तो चलिए जल्दी से लाला को भोग लगाते हैं। ये लो भैया। और इस तरीके और ये देखिए मेरे प्यारे लड्डू बाबू लाडो सभी लोग विराजे हैं। और शाम की मेरी पूजन भी हो चुकी है और अब समय हो चुका है लाला लाली को उनके मैं बेड पे ले आऊंगी। और मेरे भैया के तो सबके वस्त्र चेंज हो चुके हैं और अब मैं अपनी लाडो का भी वस्त्र वगैरह सब चेंज कर दूंगी। राधा राधा। ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं अपने स्लीपिंग सूट में जी। और सभी के खिलौनों को ना मैं यही पास में ही रख देती हूँ जिससे मेरे भैया को कुछ भी ढूंढना ना पड़े। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम है। और देखिए कौन आया है, मेरा प्यारा बिहारी लाला शाम को जरूर घूमी घूमी करने आते हैं। ये देखिए मेरा भैया यहाँ पे थोड़ी देर खेली खेली करेगा, फिर मेरा भैया चलेगा। थोड़ी सी मालिश के बाद भोग लगाने के बाद ये मेरे लाला शयन पे। ये देखिए मेरे लाला का भोग आ गया है, तो मैं जल्दी से पहले भोग लगा दूंगी और फिर मैं जल्दी से लाला की थोड़ी सी की मालिश करूंगी। राधा 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 राधा। तो जी भोग लग चुका है और अब मैं जल्दी से मेरे लाला लाली को उनके बेड पे ले आऊंगी और अब उनकी हल्की सी मालिश के बाद मेरे लाला लाली चले शयन पर जी। और सभी लोग आ चुके हैं अपने बेड पे। अब मैं बहुत हल्की सी आज सबको मालिश करूंगी क्योंकि मेरे भैया आज बहुत थके हैं। मेरी लाडो बहुत जल्दी सुबह उठती है ना भैया, तो आज मेरा लाडो बहुत थकी है इसलिए बहुत हल्की सी मालिश करके बस पहले मैं जल ग्रहण करा देती हूँ। इस तरीके से मैं पहले जल ग्रहण करा दूंगी। पी लो लाडो। जी तो कुछ इस प्रकार से मेरे लाला लाली के साथ में आज अक्षय तृतीया का जो दिन था वो मेरा कुछ इस तरीके से पूरा दिन गया। बहुत सुंदर मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा बरसती रही और पूजन में भी बहुत कृपा बरसी, आनंद ही आनंद बरसा। और इस तरीके से बहुत हल्का सा
मैं इत्र अपने लाला के लाली के श्री चरणों में इस तरीके से लगा दूंगी, बहुत हल्का। यार मेरे लाला लाली बहुत थके हैं, इस तरीके से राधा राधा, बहुत प्यार से। मेरा बच्चा सो जा, मेरा भैया। राधा जी, तो इस तरीके से मैं मंदिर भी अपना पूरा एक एक चीज अच्छे से साफ कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा अक्षय तृतीया पे मेरे लाला लाली की जो सेवा पूरे दिन की हुई, इस तरीके से हुई। आशा करती हूँ आप लोगों के भी यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप लोगों को उत्तर अवश्य मिले होंगे। और मेरे लाला लाली चले से को अभी मैं इस तरीके से थोड़ा भैया से अपनी बातें करती हूँ, और अब मैं लाइट्स वगैरह बंद कर दूंगी। और देखिए बहुत नींद में आ गए मेरे बिहारी लाला, मेरे प्यारे से गोकू लाला। तो चलिए मिलते हैं हम अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी, राधे राधे जी।